Hello dear kids of class first. How are you all? I hope you all are fine at your home. Now, this is your English class. Do you know in this class what we are going to learn? इस क्लास में हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं? No. Okay, I'll tell you. In this class, we are going to learn about an animal. आज हम एनिमल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. But tell me one thing. Do you like animals? आप सबको एनिमल्स पसंद है? Yes, we all like the animals. Have you seen a giraffe in a zoo? आपने जिराफ को देखा है? Yes, we all have seen the giraffe. हम सभी ने जिराफ को देखा है. Tell me one thing. What does it look like? वह किसके जैसा दिखता है? This giraffe looks like this. This is giraffe. This is the picture of a giraffe. ये जिराफ की पिक्चर है. And how do we identify this? हम इसे कैसे पहचानते हैं? It has spots on its body. जिराफ की पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह के स्पॉट्स यानी धब्बे होते हैं. And it has a long neck. And its long neck helps to eat the leaves of long trees. जिराफ की बहुत लंबी गर्दन होती है और इसकी यही लंबी गर्दन ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे ट्री से पेड़ों की पत्तियों को खाने में इसकी हेल्प करती है. Do you know why does this giraffe has a long neck? But other animals don't have a long neck like giraffe. जिराफ की इतनी लंबी गर्दन क्यों होती है और दूसरे एनिमल्स की गर्दन इतनी लंबी जिराफ जैसी क्यों नहीं होती है? So let's read about the giraffe's long neck by this story. हम इस स्टोरी में रीड करेंगे कि जिराफ की इतनी लंबी गर्दन क्यों होती है और उसे ये लॉन्ग नेक कब और कहां से मिली. सो लेट्स रीड दिस चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ द जिराफ गॉट अ लॉन्ग नेक. मीन्स जिराफ को इतनी लॉन्ग नेक लंबी गर्दन क्यों मिली, कैसे मिली. ओके, सो लेट्स रीड. अ लॉन्ग टाइम एगो द जिराफ हैड अ शॉर्ट नेक. बहुत टाइम पहले जिराफ की जो नेक थी, गर्दन थी, वह बहुत छोटी थी. वन डे ही फेल्ट थर्स्टी. ही वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक सम वाटर. एक दिन जिराफ को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए नदी पर गया. अ क्रोकोडाइल हु लिव्ड इन दैट रिवर सा द जिराफ. उस रिवर के अंदर जो एक क्रोकोडाइल रहता था, उसने जिराफ को वहां पर देखा. द क्रोकोडाइल थॉट लेट मी फूल दिस जिराफ. आई थिंक आई विल फूल हिम एंड ईट हिम. तब उस क्रोकोडाइल ने सोचा, जब क्रोकोडाइल ने रिवर में
जो क्रोकोडाइल रहता था उसने जब वहाँ पर जिराफ को देखा तब क्रोकोडाइल ने सोचा कि मुझे इस जिराफ को फूल यानी बेवकूफ मूर्ख बनाना चाहिए, उसे चीट करना चाहिए। आई थिंक मुझे उसे चीट करके बेवकूफ बनाकर उसे खाना चाहिए। हेलो जिराफ, हाउ आर यू, सेड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल जिराफ को बोलता है, हेलो जिराफ, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई एम वेल, सेड द जिराफ एंड बिगैन टू ड्रिंक वाटर। जिराफ क्रोकोडाइल को रिप्लाई करता है, आंसर देता है, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, और वह पानी पीना शुरू कर देता है। द क्रोकोडाइल बिगैन टू एक्ट एज इफ इन पेन। आह, अब क्रोकोडाइल किस तरह से एक्ट करता है, जैसे उसे पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, और वो जिराफ को बोलता है, आई हैव अ बैड टूथएक, कैन आई हेल्प यू, आस्क्ड द जिराफ। क्रोकोडाइल इस तरह से एक्ट करता है जैसे उसे पेन हो रहा हो, और वह बोलता है, मेरे टीथ में, दांतों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। देन जिराफ आस्क्ड, तब जिराफ पूछता है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिराफ क्रोकोडाइल को पूछता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यस, आई हैव अ टूथएक, कैन यू प्लीज टेक आउट द बैड टूथ फ्रॉम माय माउथ, सेड द क्रोकोडाइल। जब जिराफ ने क्रोकोडाइल से पूछा कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, देन क्रोकोडाइल सेड, तब क्रोकोडाइल बोलता है, यस आई हैव अ टूथएक, मेरे दांतों में दर्द है, क्या तुम मेरे मुंह में से, मेरे माउथ में से बैड टूथ यानी जो खराब टीथ है, मेरे खराब दांत हैं, उन्हें निकाल सकते हो। द जिराफ वेंट क्लोजर टू द रिवर। जिराफ नदी के पास गया। ही पुट हिज हेड इनटू द क्रोकोडाइल्स माउथ, और उसने अपना सिर, जिराफ रिवर के पास गया, नदी के पास गया, और वहां जाकर उसने अपना सिर क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर डाला। अब क्यों डाला जिराफ ने अपना माउथ क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर, ताकि वह उसके क्रोकोडाइल की माउथ में जो बैड टूथ है उन्हें बाहर निकाल सके। इन अ फ्लैश द क्रोकोडाइल शट हिज माउथ। अब जब जिराफ ने अपना मुंह क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर डाला तब क्रोकोडाइल ने क्या किया, क्रोकोडाइल ने अपना मुंह बंद कर लिया, शट हिज माउथ, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। द जिराफ वॉज ट्रैप्ड। अब जिराफ जो था वह फंस गया, जिराफ का सिर क्रोकोडाइल के माउथ में फंस गया। ही ट्राइड टू पुल हिज हेड आउट। जिराफ ने
अपने सिर को क्रोकोडाइल के माउथ से बाहर निकालने की कोशिश की। बहुत खींचा उसने अपने सिर को। ही पुल्ड वेरी हार्ड, बहुत तेज उसने अपने सिर को खींचा, बार बार खींचा और बाहर निकालने की कोशिश की। हिज हेड फाइनली कैम आउट, और उसकी बार बार कोशिश करने के बाद फाइनली उसका हेड जो था, उसका जो सिर था जिराफ का, वह क्रोकोडाइल के माउथ से बाहर आ गया। द जिराफ लुक्ड वेरी डिफरेंट, हिज नेक हैड बिकम रियली लॉन्ग। अब जिराफ जो था वह पहले से बहुत अलग दिखाई दे रहा था। उसकी जो नेक थी वह बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। दिस इज हाउ द जिराफ गॉट अ लॉन्ग नेक, और इस तरह से जिराफ को अपनी लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन मिली। सो द समरी ऑफ दिस स्टोरी इज, बिफोर अ लॉन्ग टाइम जिराफ had a short neck. One day he went to a river to drink water, and there a crocodile saw him and he wanted to eat him. So he told lie to giraffe that he had toothache. When giraffe went to help him, he caught giraffe's head in his mouth, and after a long try giraffe's head came out, but it looked so different because he got a long neck. बहुत टाइम पहले जिराफ की जो नेक थी वो बहुत शॉर्ट, छोटी हुआ करती थी। एक बार जिराफ को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए कहाँ गया, रिवर पर गया। उस रिवर में एक क्रोकोडाइल रहता था जिसने उस जिराफ को देखा। उस जिराफ को खाने की, उस क्रोकोडाइल की इच्छा हुई, क्रोकोडाइल उस जिराफ को खाना चाहता था। अब इसके लिए उसने क्या किया, जिराफ को चीट करने के लिए प्लान बनाया और उसने जिराफ को झूठ बोला, उससे कहा कि मेरे टूथ में, मेरे दांतों में दर्द है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जब जिराफ क्रोकोडाइल की हेल्प करने उसके पास गया, तब क्रोकोडाइल ने जिराफ के हेड को अपने माउथ के अंदर पकड़ लिया। जिराफ ने बहुत कोशिश की उसके माउथ से अपने हेड को निकालने की। उसने बार बार अपने सिर को बाहर खींचा और आफ्टर अ लॉन्ग ट्राई, बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली जिराफ का जो सिर था वह क्रोकोडाइल के मुंह से बाहर आ गया। बट जो जिराफ था अब वह पहले से काफ़ी डिफरेंट, बहुत अलग दिखाई दे रहा था। व्हाई? बिकॉज हिज नेक हैड बिकम रियली लॉन्ग, क्योंकि उसकी जो गर्दन थी वह पहले से बहुत लंबी हो चुकी थी। इस तरह से जिराफ की गर्दन लंबी हुई। एंड दिस लॉन्ग नेक हेल्प्स जिराफ टू ईट ट्रीज लिव्स, और ये जिराफ की जो लॉन्ग नेक है, लंबी गर्दन है, वह जिराफ को टॉल ट्री से, बड़े बड़े पेड़ों से पत्तियां खाने में हेल्प करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।